मैं इमरान सैफी मोटिवेशनल टेक्नोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली हमारी हर वीडियो आप लोगों को उपलब्ध हो सके। दोस्तों, हरदोई डिस्ट्रिक्ट के बहुत सारे किसानों की हमारे पास 2 महीने से कंटिन्यू कमेंट आ रही थी कि सर हमें हरदोई के बारे में बताइए। दोस्तों, अब जाकर हमें काफ़ी समय से हम मेहनत कर रहा था कि कहीं से जानकारी उपलब्ध हो हरदोई के बारे में, तो आज हमें हरदोई की जानकारी उपलब्ध हुई है और मैं आज हरदोई के बारे में ही बात करूँगा। दोस्तों, मैं बात करूँ हरदोई की अलाइनमेंट के बारे में, तो दोस्तों हरदोई जो डिस्ट्रिक्ट है गंगा एक्सप्रेसवे होकर वहाँ से गुजर रहा है हरदोई से, और हरदोई के जो है आपके जो है 71 आपके जो है वहाँ से गाँव से होता हुआ गुजरेगा हरदोई की। दोस्तों, बहुत बड़ा हरदोई डिस्ट्रिक्ट के बहुत इतने सारे गांव हरदोई के ही इसमें आएंगे गंगा एक्सप्रेसवे में, तो आज हम उनके बारे में बात करेंगे। और अब हम बात करते हैं कि हरदोई में इस वक्त प्रक्रिया क्या चल रही है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं हरदोई डिस्ट्रिक्ट के किसानों की जो है जिन क्षेत्र से गंगा एक्सप्रेसवे होकर गुजर रहा है उसकी जो है पहली लिस्ट जारी हो चुकी है। अब मैं बता दूं हरदोई के किसानों से मैं बताता हूं। दोस्तों, अब जो जिन किसान भाइयों की जो लिस्ट आई है, जिन जिन का नाम आया है, जिनकी भूमि जा रही है, अब फिलहाल जो लिस्ट आई है इसके अंदर ये होना है कि आपका को जो नेम है वो कहीं गलत तो नहीं है, आपकी जो भूमि है भूमि के अंदर फसल क्या है, आपके यहाँ ट्वेल है या नहीं है आपके खेत में, आपके यहाँ पर चक्रोड़ है या नहीं है आपके खेत से निकलती हुई, आपकी चक्रोड़ कितनी दूरी पर है, ये सारी जो है आपका जो लेखपाल है कानून गोय है और मालवी कंपनी के जो अधिकारी है वो इस कार्य में लगे हुए हैं। और जल्द से जल्द जो है हरदोई जो डिस्ट्रिक्ट है उसके जितने भी गांव हैं सभी में जो है किसानों की जो लिस्ट है वो सूची जारी कर दी गई है। अब उसमें करप्शन करने के बाद में जो है 15 तारीख में जो है वो लिस्ट वापस मालवीय कंपनी को सौंप दी जाएगी। उसके बाद में एक लिस्ट फिर जारी होगी हरदोई डिस्ट्रिक्ट के सभी डिस्ट्रिक्ट वालों की, एक बार फिर लिस्ट जारी होगी जिसमें आपकी बिल्कुल क्लियर सारी चीज़ें क्लियर होगी और उसके बाद में आपका सीधा नोटिस जारी करा जाएगा। तो दोस्तों, हरदोई के अब हम बात करते हैं कि अलाइनमेंट बिल्कुल ओके है, हरदोई का जो तैयार किया गया है सारी चीज़ें ओके है, और अब जो प्रक्रिया होने वाली है वो 15 तारीख के बाद ही जो प्रक्रिया होगी वो 15 तारीख के बाद ही प्रक्रिया होगी सभी डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और अब हम बात करते हैं कि हरदोई के वो कौन कौन से क्षेत्र है, कौन कौन से गाँव हैं। अब मैं आपको उन लोग जो सूची में आए हैं जिनके यहाँ जिन गांवों में सर्वे हो चुका है और उन गांव के किसानों की ज़मीन इस गंगा एक्सप्रेसवे में आ रही है। तो दोस्तों, अगर हम बात करते हैं कि गंगा एक्सप्रेसवे में हरदोई के गांव के नामों के बारे में बात करते हैं, पहला जो गांव है वो है पथौरा, बरुवारा, कुरारी, महापुरा, कुरारी, महापुर सपैरा, गिरघपुर, घसो, सेटामाऊ, वारामपुर, बिलास हरसैन, नसीरपुर, बाननगला, दघेला, रवापुर, फरीघना, सेवाझाल, कोसिया, सैदापुर, तिमिरपुर, कनकुपुर, चकोती, ओबारिया, खिजोली, गोरगढ़ी, सवाजपुर, झंझेरा, ओहदपुर, प्यानपुर, पदम लालपुर, नगरिया, मुठैली, हरेरा, जोरी, सतोया, रोशनपुर, ककरा, इकनोरा, लखमन, फकरिया, खैखाई, बख्शडारी, चंदसोरा, सहिजना, अरवा मोहला, कैमू, हसनपुर, गुजराई, धोदी, कुवरिया, आलमपुर, बठेरा, बुजर्ग, पसेरा, गुराली, जरोलीसुर, विरजदू, कुताबोपुर, नवीपुर, बहरी खुर्द, हीरापुर, बोचपुर, इकाई, जैदीपुर, गंगराम, भकवक्त नगर, मुसेपुर, बरुआ, बदहल सलेमपुर, अकबरपुर, बरोना, फुलवाई,
तोरैया सराय, सुल्तान इब्राहिमपुर, सुल्तानपुर, ये दोस्तों हरदोई के डिस्ट्रिक्ट के आपके गांव हैं जो तहसीलों में पड़ते हैं। ये गांव है जिनका मैंने आप लोगों के सामने नाम किया है, और इन गांव में जो है गंगा एक्सप्रेसवे का सर्वे कंप्लीट हो चुका है, ओनली अब जो है नोटिस जारी होना है। तो अब देखते हैं कि जल्द से जल्द जो है क्या क्या कार्रवाई यहाँ पर होगी, क्योंकि जो कार्रवाई हो रही है वो लास्ट स्टेज पे इस वक्त चल रही है। जो प्रक्रिया लेखपाल और कानून कोई इस वक्त कर रहे हैं मालवीय कंपनी द्वारा जो हो रही है वो लास्ट स्टेज है, उसके बाद में आपका नोटिस और भूमि अधिग्रहण का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको शेयर कमेंट जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।